हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज खी। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अनाउंसमेंट हो चुका है, कौन सा खिलाड़ी बना है उसके बारे में आपको भी बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये आपको बताते चलें कि जो खिलाड़ी बना है वो कोई भारतीय नहीं है। जी हाँ, लगातार तीन बार हमने देखा था कि भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो बन रहे थे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, लगातार शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम के द्वारा था, लेकिन इस बारी पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम जो है वो बन चुके हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। उनके साथ साथ विमेन क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे एलिसा हीली जो है वो बनी है वुमेन क्रिकेट ऑफ द मंथ, यानी कि आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द मंथ के तौर पे उनको चुना गया है। बाबर आजम पे थोड़ी बात करना चाहूँगा मैं। शानदार प्रदर्शन उनका था, 228 रन उन्होंने तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और काफ़ी बहुत ही स्मूथ इनिंग्स हमको उनकी देखने को मिलती हैं। ज़्यादा आप टेक्निकल ग्लिच नहीं निकाल सकते उनकी उनकी पूरी की बल्लेबाजी की मैं यहाँ बात करूँ। ऐसे में बहुत ही शानदार लिमिटेड ओवर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रदर्शन आता, साथ ही साथ सात T20 मैचेस में 305 रन के बल्ले से निकले थे। ऐसे में बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट थे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनने के, क्योंकि उनके साथ साथ उनकी उन्हीं के कंट्री के फ़खर जमान भी थे जिन्होंने 193 रनों की शानदार पारी अफ्रीका के खिलाफ खेली थी, वो भी उस दौड़ में। तो साथ ही साथ कुशाल भड़तल जो कि नेपाल से खेलते हैं उनको भी इस बारी जो नॉमिनीज थे उसमें जगह मिली थी, तो उसमें से बाबर आजम को चुना गया। ज़्यादा टेक्निकली साउंड भी नज़र आते हैं, साथ ही साथ जिस तरीके का उनका एक ऑरा रहता है क्रीज पे तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के जो पुरस्कार है उससे नवाजा गया है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि जो आईसीसी का एक पूरा का पूरा वोटिंग का एक ग्रुप रहता है जिसके अंदर जो पैनल रहता है जो कि डिसाइड करता है कि कौन सा प्लेयर जो है चुना जाएगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के तौर पर, तो रमीज राजा ने एक स्टेटमेंट दिया है जहाँ पर बाबर आजम के लिए उन्होंने बताया कि उनको क्या खास बनाता है। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ें बताई कि दो तरीके के प्लेयर हमको नॉर्मली लिमिटेड फॉर्मेट जो है उसमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एक खिलाड़ी जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही ज़्यादा आपको वीरेंद्र सहवाग की तरह खेलते देखेंगे जहाँ पे तोड़ फोड़ मचाते हैं। जी हाँ, यानी कि आप जो है एक तरीके से बॉलिंग अटैक को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन वहीं बाबर आजम जो है उनका जो खेलने का तरीका है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, एक तरीके से सिम्फनी की तरह है कि जब आप उनको बैटिंग करते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक आपको अलग अलग ऑरा में आपको ले जाते हैं, अलग जोन में, एक शेल में लेके आपको चल जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो शॉट्स खेलते हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको जो है एक तरीके से वीवीएस लक्ष्मण की भी याद आती है, क्योंकि जिस तरीके से वो कलाइयों के जादूगर थे वही कहीं ना कहीं हमको बाबर आजम में भी कुछ कुछ जो है नज़र आता है कि जब वो खेलते हैं तो बहुत ही खूब खेलते हैं। तो ऐसे में ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि रमीज़ राजा ने बताया उनके बारे में जो कि उनको खास बनाता है। वहीं एलिसा हीली की मैं बात करूं तो इयान बिशप ने जो स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक जिस तरीके से पिछले कुछ समय में प्रदर्शन रहा है एलिसा हीली का ऑस्ट्रेलिया के लिए, स्पेशली जो सीरीज़ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी उनमें उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया था, तो इन पूरे के पूरे अगर हम पूरे उनके परफॉर्मेंस को निकालें तो कंप्लीट पैकेज की तरह वो टीम के लिए परफॉर्म कर रही थी, तो इस वजह से उनका ही जो है बनना तय था कि वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के दौड़ में, जो वुमेन्स क्रिकेट टीम की मैं बात करता हूँ तो उसमें वो बिल्कुल प्रबल दावेदार थी और वो बाद में विजेता भी बनी। तो फिलहाल ये बड़ा अपडेट आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की मैं यहाँ बात करूँ। थोड़े टाइम पहले हमने देखा भी था कि विराट कोहली को पछाड़ के नंबर वन ओडीआई रैंकिंग्स में जो है बाबर आजम बने थे, तो अब वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ भी बन चुके हैं। उम्मीद करेंगे कि जल्द हमको कोई भारतीय वापस से जो है अगले महीने जो है खेलता हुआ दिखे। हालांकि भारतीय टीम को 18 जून से टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, उससे पहले कोई इतना क्रिकेट है नहीं हमारे सामने, लेकिन उम्मीद ज़रूर करेंगे कि आने वाले टाइम में जो हमको सीरीज़ जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है उसमें एक नया भारतीय हमको वापस से देखने को मिले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए स्पोर्ट्स टाइगर के साथ।